देयर इज एन इंग्रेडिएंट कॉल्ड हाइलुरोनिक एसिड जो कि बहुत ज्यादा आई कैचिंग बन चुका है आजकल। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखें, या वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, एवरीवेयर आपको लोग बता रहे होते हैं हाइलुरोनिक क्रीम, सिरम्स एंड सो मेनी थिंग्स। बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड करता क्या है, हमारी स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करता है, एक्सट्रीम लेवल पे मॉइस्चराइज करता है। बट क्या ये वर्थ करता है इतनी महंगी कॉस्टिंग, यानी कि जो प्राइसिंग लिस्ट हो रही है इस इंग्रेडिएंट को लेकर, क्या ये वर्थ करता है इतनी प्राइस, या फिर कुछ ऐसा है जो हम लोग घर में कर सकते हैं हाइलुरोनिक एसिड को वो बीट कर सकता है। सो अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ तो इस वीडियो में बने रहें। हाय गाइस, वेलकम टू ब्यूटी सीक्रेट्स रिवील्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बनाने जा रहे हैं DIY स्किन क्रीम, DIY राइस स्किन क्रीम। अगर बात करें राइस की तो राइस एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि कोरियन, जापानीज, किसी भी तरह के स्किन केयर को अगर आप देखते हैं तो आपको राइस जरूर उसमें नजर आएगा। राइस एक बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट होता है जो कि हमारे स्किन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है इनटू ग्लास स्किन। बहुत सारी जापानीज, कोरियन, चाइनीज वुमेन जो होती हैं वो अपनी स्किन केयर में राइस को यूज करती हैं। आप उनकी स्किन चेक कर सकते हैं, दे आर लाइक एजलेस ब्यूटीज, उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। तो मार्केट में तो बहुत सारी स्किन क्रीम अवेलेबल ही हैं, पर मैं आपके साथ में जो आज शेयर कर रही हूँ, अगर आप इसको बना के यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए पहले इसको बनाना देख लेते हैं, उसके बाद कैसे यूज करना है, सो मेनी अदर थिंग्स मैं आपको बताती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 टीस्पून राइस। राइस कौन सा वाला लेना है, राइस जो भी आपके घर में हो वो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, एक मैजिकल इंग्रेडिएंट से कम नहीं होता हमारी स्किन के लिए। 2 टीस्पून मैंने राइस लिया है, इसको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको हम लोग एक पैन में ट्रांसफर कर देंगे एंड साथ में ऐड करेंगे 1 कप ऑफ वाटर। इसको हम लोग को थोड़ा कुक करना है। राइस हमारे स्किन के सेल्स को रीबिल्ड करने में हेल्प करता है। अब ये क्या होता है सेल रीबिल्ड, जो हमारी स्किन होती है बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बनी होती है। जैसे जैसे हमारी एज होने लगती है या फिर हमारी स्किन डैमेज होना शुरू होती है तो हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं अलग हो जाते हैं। राइस हेल्प करता है हमारी स्किन के सेल्स को बिल्डअप करने में, सो दैट हमारी स्किन बहुत ज्यादा यूजफुल और लस्ट्रस दिखती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें होता है ट्राइग्लिसराइड्स, लिपिड्स एंड स्टार्च। ये सब केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के सेल रीबिल्ड को, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसमें हेल्प करते हैं। अच्छा, हम लोग मार्केट से जो क्रीम परचेज करते हैं, अगर आप उसकी इंग्रेडिएंट की लिस्ट चेक करें तो उसमें कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट के नाम होते हैं कि उनके बारे में जानना तो दूर, हम लोग उनके बारे में लाइक उनको पढ़ भी नहीं पाते, ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा अजीब अजीब से नाम के इंग्रेडिएंट होते हैं। वो क्या करते हैं हमारी स्किन को इतना हद तक डैमेज कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पर इस तरह की जो क्रीम्स हम लोग घर में फॉर्म करके यूज करते हैं, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, स्किन फ्रेंडली होती हैं, स्किन को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, साथ ही साथ हमारी स्किन पे किसी भी तरह का डैमेज नहीं होने देती। इसमें जो प्रेजेंट होता है स्टार्च, वो हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, स्किन को एंजाइम्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारी स्किन एनरिच होती है और बहुत ज्यादा यूजफुल और ग्लोइंग बनती है। अब इस राइस को हम लोग को 2 से 3 मिनट इस वाटर में कुक कर लेना है अच्छे से। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाएगा, तो जब हम लोग इसे ब्लेंड करेंगे तो ये इजीली ब्लेंड हो जाएगा। साथ ही साथ इसे इस वाटर में कुक करने से एक फायदा ये और होगा कि हम लोग के पास राइस वाटर टोनर रेडी हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा टोनर होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन को ब्यूटीफाई करता है, हमारी स्किन को रेडिएंट बनाता है, ग्लोइंग बनाता है। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे अपने आप ठंडा होने के लिए रख देना है रूम टेम्परेचर पे। साथ ही मैं तो लेके आती रहती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग DIY। तो अगर आप वो सारी चीज़ें रिलीजियसली, यानी कि उसको बिलीव करके यूज़ करते हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह के इंग्रेडिएंट के नाम पे ब्रांड्स को इतना इतना पैसा देने की। अब जब ये ठंडा हो चुका है तो हम लोग इसका जो राइस वाटर है इसे पहले सेपरेट कर लेंगे। अब जो राइस हमारे पास बचा है कुक किया हुआ, इसे हम लोग एक ब्लेंडर में डाल देंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने से ये अच्छा सा स्मूथ फॉर्म में आ जाएगा। देखिए, हम लोग जो क्रीम बना रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। माइंड जो होता है वहीं से सारा गेम होता है। अगर हम लोग क्रीम बनाएंगे वो ग्रैनुअल्स वाली होगी, अच्छी कंसिस्टेंसी की नहीं होगी, तो दिमाग जो होता है पहले से बोलता है कि वर्क नहीं करेगी। तो थोड़ा सा एफर्ट करके इसे अच्छी कंसिस्टेंसी की क्रीम अगर हम लोग बनाते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी अगर ये फील होगी हमें अप्लाई करने में, तो दिमाग भी कहेगा कि हाँ ये अच्छे से वर्क करेगी। और सारा चीज़ यहीं से होता है कि अगर आप बिलीव करके कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिलीव करके यूज़ नहीं करते तो फिर आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो बिलीव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, नॉलेज एंड बिलीव दोनों चीज़ों के साथ अगर आप किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। ब्लेंड करने के बाद इसे हम लोग एक स्ट्रेनर के हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे। अगेन स्ट्रेन इसीलिए कर रहे हैं ताकि ग्रैनुअल्स ना आए जब हम लोग अप्लाई करें, स्मूथ कंसिस्टेंसी क्रीम बने ताकि हम लोग की स्किन इसको बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करे। स्ट्रेन करने के बाद ये लम्प्स फ्री ग्रैनुअल्स फ्री एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो चुका है। इसमें अब हम लोग ऐड करने वाले हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या होती है? ग्लिसरीन हमारी स्किन के लिए हाइलुरोनिक एसिड होती है। हाइलुरोनिक एसिड की ही खानदान की होती है। अगर आप इसके स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे तो ग्लिसरीन इज अ ह्यूमेक्टेंट, हाइलुरोनिक इज अ ह्यूमेक्टेंट। ग्लिसरीन मॉइस्चराइजेस योर स्किन एंड हाइलुरोनिक आल्सो मॉइस्चराइजेस योर स्किन। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस ये है कि हाइलुरोनिक एसिड को हम लोगों ने इतना ज़्यादा आजकल हवा दे दी है बता करके लोगों को लगता है कि हाइलुरोनिक एसिड समथिंग कि हमारी स्किन पे जादू कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट। आपकी स्किन को एक्सट्रीम लेवल पर मॉइस्चराइज करता है, दैट्स इट। बट इसके लिए इतना पे करना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। तो आप ग्लिसरीन को यूज़ करें। और ग्लिसरीन के साथ एक चीज़ ये होती है, ग्लिसरीन को हम लोग डायरेक्टली अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो हम लोग क्रीम्स या फिर कोई मॉइस्चराइजर सिरम बनाते हैं उसमें अगर ग्लिसरीन को डाल के यूज़ करते हैं तो बेस्ट होता है। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें ग्लिसरीन ऐड कर लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर ली हूँ एलोवेरा जेल। मैं मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। एलोवेरा जेल इज़ नथिंग बट अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर फॉर स्किन। ये जो क्रीम हम लोग बना रहे हैं, मैं आपसे ऐसा कोई फेक प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कि इट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन वाइटनिंग एंड एनीथिंग। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी एंड बहुत अच्छा आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेगी एंड हाइड्रेट करेगी। ऐसा मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर बना देगी या फिर, लेकिन हाँ अगर आपकी स्किन का जो एक्चुअल कलर है उसको रिस्टोर करेगी एंड मैक्सिमम आपकी स्किन टोन जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक पहुँचाने में आपको ज़रूर हेल्प करेगी। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया है एलोवेरा जेल। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है विटामिन ई ऑयल। अच्छा अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल नहीं है तो क्या करें? देयर इज नथिंग लाइक इट कि आपको विटामिन ई ऑयल ही ऐड करना है या कैप्सूल ही ऐड करना है। अगर ऑयल और कैप्सूल दोनों चीज़ नहीं तो आप यहाँ पे आलमंड ऑयल ऐड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं विटामिन ई ऑयल इसलिए ऐड कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ रियली गुड। आपके स्किन के दाग धब्बों को दूर करने में बहुत हेल्प करता है, आपकी स्किन से किसी तरह के स्कार डिस्कलरेशन को दूर करता है। वो ही काम आलमंड ऑयल भी करता है। तो अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल नहीं है तो आप आलमंड ऑयल का इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा डाला है, लाइक 5 to 6 ड्रॉप्स ओनली इसमें मैंने ऐड किया है। लास्ट में इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून रोज वाटर। रोज वाटर हमारी स्किन के लिए एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है गाइस। अगर आप इसे डेली अपनी स्किन केयर में यूज़ करते हैं तो आपके स्किन के बहुत सारे इश्यूज तो ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएंगे, कुछ और करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रोज वाटर हमारी स्किन के pH बैलेंस को मेंटेन करता है। pH बैलेंस अगर हमारी स्किन का डिस्टर्ब होता है तो स्किन ऑलरेडी बहुत ही अलग तरह से रिएक्ट करती है, कभी ड्राई हो रही होती है, कभी ऑयली हो रही होती है, कभी सेंसिटिव हो रही होती है, कभी दाने निकल आते हैं। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हमारी स्किन का pH बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। तो रोज वाटर डज द सेम थिंग, आपकी स्किन के pH बैलेंस को मेंटेन करता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा प्लम्प और यूथफुल बनाता है। तो 1 टीस्पून मैंने रोज वाटर इसमें ऐड किया है एंड इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। यहाँ पर आपका काम ये है कि आपको इसे थोड़ा सा टाइम लगा के मिक्स करना बिकॉज सारी चीज़ें जो होंगी इतनी आसानी से कंबाइन नहीं होती बिकॉज कुछ ऑयल है, कुछ स्टार्च है, कुछ वाटर है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो जो फेंटने वाली अंडा फेंटने वाली आती है लाइक हैंड ब्लेंडर, जिसको भी हैंड ब्लेंडर ही बोलते हैं शायद, आई डोंट नो, तो उससे भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। एंड बेसिकली आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। मैंने यहाँ पे स्पून से ही किया था, थोड़ा सा टाइम लगा था, बस अच्छे से हो गया। एंड आप कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर सकते हैं। मार्केट में मिलने वाली हज़ारों हज़ार क्रीम को ये बीट करेगा एंड आपको फीडबैक ज़रूर देना है इसका। इसको यूज़ करना है, उसके बाद फीडबैक ज़रूर देना है आपको। फीडबैक देने के लिए आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आ सकते हैं, जहाँ जहाँ पे मैं हूँ कहीं पर भी आप आकर अपना फीडबैक दे सकते हैं। ये क्रीम बन के रेडी है। मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे अप्लाई करना है। इसको यूज़ करने का मेथड मैं आपको बताती हूँ। जो हम लोगों ने टोनर अभी बनाया था उसको पहले अपने फेस पे अच्छे से स्प्लैश कर लेंगे। टोनर हेल्प करेगा आपकी स्किन के मॉइस्चर को रिस्टोर करने में, आपकी स्किन से किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन को दूर करने में एंड आपकी स्किन को लस्ट्रस बनाने में। टोनर जब अच्छे से आपकी स्किन में एक बार अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद हम लोग इस क्रीम का एप्लीकेशन करेंगे। क्रीम जैसे नॉर्मली कोई भी क्रीम अप्लाई करते हैं वैसे आपको अप्लाई करना है। ये क्रीम आपकी स्किन से दाग धब्बों को दूर करेगी, आपकी स्किन को एक्सट्रीम लेवल पर मॉइस्चराइज करेगी, हाइड्रेट करेगी, आपकी स्किन से दाग धब्बों को दूर करने में भी हेल्प करेगी एंड आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करेगी। सो इतने सारे बेनिफिट्स इस क्रीम के, तो इसे एक बार ज़रूर बनाएं। और अगर आपको पसंद आती हो तो मुझे ज़रूर इसके बारे में आप बता सकते हैं कि आपको अच्छी लगी, अपना फीडबैक दे सकते हैं मुझे। इस क्रीम को आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में 15 डेज के लिए, तो 15 डेज तक आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है, ये आपको ऐसे कुछ चलेगा, इसकी स्मेल वगैरह अगर थोड़ी सी आपको चेंज लगे तो आप इसे फ्रेश बनाएं। सो आई होप कि सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय एंड टेक केयर।